दोस्तों, किसानों को परेशानियों को देखते हुए काफ़ी सारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था, तो इसीलिए एक योजना निकाली गई है जिसके तहत बिहार के किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसको DBT नाम से, एग्रीकल्चर फार्मर रजिस्ट्रेशन। एक ऐसी एप्लीकेशन और एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई है जिसकी मदद से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग इस योजना की मदद से आप लोग काफ़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किसानों को आजकल के तौर पर काफ़ी सारी समस्याओं को देखना पड़ जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग किसान हैं और आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना की मदद से किसानों का यह उद्देश्य बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं पा पाते हैं, जीवन काल छोड़ देते हैं और उन लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए बनी रहती हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों की इन सारी जानकारियों को आप लोगों को एक ही जगह पर डिटेल देखने को मिलेगी। आप लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आप लोगों को ये सारी एप्लीकेशंस में मदद मिलने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारे फायदे एक ही जगह पर मिलना चालू हो जाएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, जो कि आप लोगों को इस वेबसाइट से डायरेक्ट पहुँचा देगा सरकारी वेबसाइट पर, जो कि बिहार सरकार की एक वेबसाइट है, जहां पर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना तो आप लोगों को अनिवार्य हो जाएगा, मगर आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसान का आय तो बढ़ेगी, साथ में ही आप लोग आत्मनिर्भर की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को जो भाषा समझ में आई हो उसका चेंज करने के बाद यहाँ से पैक करें, यहाँ से कैंसिल कर दें। उसके बाद यहाँ देखिए, अप्लाई ऑनलाइन कृषि इनपुट आवेदन योजना, गोदाम निर्माण के लिए आवेदन, यहाँ देखिए दोनों के लिए आवेदन करवा सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना और जल जीवन हरियाली के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, कृषि के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, बीज के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, बीज अनुदान के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ से आप लोगों अपने आवेदन की स्थिति की प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप लोग यहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग पूरी डिटेल देख सकते हैं। कुछ इसी आसान तरीके से आप सभी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हमारी ये लेख, हमारा ये पोस्ट पसंद आया हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों के पास तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी समस्या अगर आती है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।